एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहू को बहुत मारती थी क्योंकि बहू बहुत ही स्टाइलिश थी। बहू बोलती थी कि मैं अभी स्टाइल नहीं करूंगी तो कब करूंगी। तब उसकी सास उसे बहुत मारा करती थी। फिर वह एक दिन उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और वह चिड़िया बोलती है, ये देखो अब मैं स्टाइल करके निकल जा रही हूँ, अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। चल निकल बे निकल यहाँ से, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से, मैं अपने बेटे के साथ अकेला ही रह सकता हूँ, चल निकल। फिर वह चिड़िया कहीं दूर जाकर एक टूटे फूटे घर में रहने लगती है और वह समोसा बेचने लगती है। तभी वहाँ पर दो लोग पहुँचते, दो समोसा देना। रुको अभी देता हूँ। हमारे यहाँ जिस तरीके का समोसा मिलता है आपको पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा एक ख़ास रेसिपी है, आप सभी दोस्तों को जाकर बताइएगा। ये लो खाकर देखो। अरे वाह समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं सारे दोस्तों को बताऊंगा कि यहाँ का समोसा बहुत ही टेस्टी है। ए छोटी, मैंने सुना है कि तेरे समोसे बहुत ही टेस्टी है। हाँ हाँ, अरे भाई मैंने भी सुना है, सारे चिड़िया यही बात कर रहे हैं कि इनके समोसे बहुत ही टेस्टी है। चल ज़रा दो प्लेट लगा तो समोसे। जी अभी लगा देता हूँ। ये घर आपका है क्या? बहुत ही सुंदर घर है। अरे तुम लोग कहाँ से आ गए? अरे हम लोग भी समोसे ही खाने आए हैं कालू भाई, चिंता मत करो। अरे अभी दे रही हूँ समोसे गर्मा गर्म आप लोगों के लिए। फिर एक दिन उस चिड़िए का पति घर में अकेला ही था और वह यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, न जाने मैंने उसे कितने दिनों से नहीं देखा और माँ भी कुछ नहीं बता रही है और बहुत तेज़ों की बारिश भी है बाहर, चलो जाकर थोड़ा देखता हूँ कि वह कहाँ है और मैं उसे अपने घर पर ले आऊँगा। ये लगता है कि माँ ने उसे कुछ बोला होगा, इसी वजह से वह घर छोड़कर चली गई है, न जाने वह इतनी बारिश में कहाँ होगी। बारिश रुकता है तो जाता हूँ ढूंढने। चिड़िया कुछ कर रही होती है तभी उसका पति वहाँ पहुँच जाता है और उसे बोलने लगता है कि अरे तुम कहाँ थी इतने दिनों से, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, न जाने मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा, चलो अब हमारे साथ। तब चिड़िया बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, आपके मम्मी और मैं बीच में झगड़ा है और हमेशा आपकी मम्मी मुझे ताना सुनाती रहती है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब चिड़िया बोलता है, अरे चलो इस बार अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर वह चिड़िया और वह चील जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस चिड़िया की सास उस चिड़िया से माफ़ी मांगती है और सास और बहू में फिर से माँ और बेटी जैसी रिश्ता हो जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।